हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में। आज अपन बात करने वाले हैं नेजो क्लियर सेलाइन नेजल स्प्रे के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। इस चैनल पर आपको मेडिसिन, स्किन, ब्यूटी और हेल्थ से संबंधित हर प्रकार के वीडियोज मिलेंगे। तो बिना समय खराब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नेजो क्लियर सेलाइन नेजल स्प्रे, तो अपन इस वीडियो में इसकी बेनिफिट्स, इसके यूजेज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ये जो नेजो क्लियर स्प्रे है, अपन इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी है या फिर कोई एडल्ट पर्सन है जिसकी एज कुछ महीने से लेकर 1 से 2 साल तक है, या फिर कोई एडल्ट पर्सन है जिसकी एज आफ्टर 18 ईयर या उससे कम ज़्यादा है, तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि उनकी नाक बहुत अधिक बंद रहती है, नाक के अंदर म्यूकस ज़्यादा जम जाता है, साथ में यदि उनकी नाक बहुत अधिक ड्राई रहती है, तो इस प्रकार की यदि उसको प्रॉब्लम रहती है तो वह इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यह स्प्रे बनाया गया है। आपकी बंद नाक को यह खोलता है, म्यूकस को यह क्लियर करता है ताकि आपको सांस बहुत ही आसानी से आ सके। साथ में यदि आपकी नाक बहुत अधिक ड्राई रहती है तो यह उसे मॉइस्चराइज भी करता है ताकि आपके नाक के अंदर पपड़ियां नहीं जमें, म्यूकस कम से कम जमें और आपको इचिंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो यह स्प्रे बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड दिया गया है जो कि आपकी नाक को क्लियर रखने में काफ़ी अच्छी मदद करता है। अपन इस स्प्रे की प्राइस की बात करें तो 50 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जिसके अंदर 20 ml की बोतल आपको दी जाती है। आप सुबह और शाम 1 फप अपने नाक के अंदर डाल सकते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को, ताकि आपकी नाक के अंदर हो रही ड्राइनेस से आपको छुटकारा मिल सके, बंद नाक से आपको राहत मिल सके और जो आपकी नाक के अंदर मुकस जमा हुआ है वह क्लियर हो सके। तो बहुत ही अच्छा यह है स्प्रे है, आप बेझिझक इसका उपयोग कर सकते हैं। यह जो स्प्रे है न्यूबॉर्न बेबी, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है और जो एडल्ट पर्सन है वह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अपन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो यह एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड वाटर है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने नहीं चाहिए, परंतु इसको लगाने के बाद यदि पेशेंट को ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसका उपयोग करना बंद कर दें। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है नेजो क्लियर सेलाइन नेजल स्प्रे के बारे में। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।